गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू अन एकेडमी। दिस इज राजेंद्र शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज नोन एज इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ठीक है, तो बेटा जो इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम वो देखने जा रहे हैं। सो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद अन अकेडमी। ठीक है, इट्स अबाउट मी, मायसेल्फ राजेंद्र शर्मा। आई एम परसुइंग माई पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज एमिशंस, BS6 एमिशंस। ठीक है, जो भी आफ्टर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज रहती है बेटा, उस पर मेरा वर्क चल रहा है। ठीक है, आई हैव डिड माय एमटेक इन डिजाइन एंड थर्मल इन द ईयर 2013। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव मेंटर्ड 30 के स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऑल दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। सो टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लासेस, है ना, टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लासेस, अगर स्पेशल क्लास की बेटा हम बात करते हैं, तो इफ यू वांट टू अवेल द स्पेशल क्लासेस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गूगल प्ले स्टोर पर जाके, आपको केवल और केवल गूगल प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप लोग अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, वैसे ही आप जो भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को आप लोग अवेल कर सकते हैं। यू कैन अवेल द फ्री लाइव क्लासेस। ये जो प्लेटफॉर्म है, इट इज जस्ट लाइक यूट्यूब टाइप का ये एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी पे, ठीक है, उन सभी के लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, साथ ही जो लाइव वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का लाइव वीडियो एक्सेस करना है, तो आपको उसको फॉलो करना होता है। जैसे ही आप उस एजुकेटर को फॉलो करते हैं, वैसे ही आप लोगों को उस एजुकेटर के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलने लग जाते हैं। ठीक है, सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू सी माय वीडियोस, ठीक है ना, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये फॉलो लिंक मैंने यहाँ पर डाल रखी है, ये जो फॉलो लिंक है वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, तो इस फॉलो लिंक को क्लिक करके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरे वीडियोस, और आप लोगों को एक प्रायर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई क्लास शेड्यूल करूँगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द स्पेशल क्लास। ठीक है, All these are the benefits of an academy. First of all, you may avail the daily live classes. ठीक है, तो जो YouTube रहता है हमारा, YouTube live करते हैं हम, ठीक है, उस पर क्लासेज रहती हैं और स्पेशल क्लासेज रहती हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपको फ्री एक्सेस करना है, तो ये दो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू अन अकेडमी। ठीक है, YouTube क्लासेज एज वेल एज द स्पेशल क्लासेज। But if you want to move in a structured way, ठीक है ना बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक structured way में पढ़ें, देखिए actually क्या रहता है कि YouTube और special class, इसमें कुछ restriction नहीं है, faculty अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। faculty, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि faculty अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन faculty अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, जो चीज़ 3 घंटे की, हो सकता है कि वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी उसमें लग जाए। ठीक है, लेकिन जो structured courses है, है ना, उसमें सबसे पहली बात तो फुल सिलेबस कवरेज आपका होता है ना। जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है उसमें आपका फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो बेटर यही है कि आप लोग प्लस को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, वहां पर टेस्ट सीरीज भी चलती है,
तो टेस्ट भी आप लोग वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो FOC फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं करा सकते, तो वो चीज़ें अवेल करने के लिए बेटा आप लोगों को प्लस सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इफ़ एनी बडी ऑफ यू वॉन्ट्स टू अवेल द फ्री लाइफ सॉरी द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ठीक है ना, प्लस का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप RS001, RS001 ये जो कोड है ये आप लोग डाल के आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट वहां पे अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी सब्सक्राइब करना है प्लस को, तो बेटा आप लोग ये कोड डाल सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप मेरा कोड डाल सकते हैं, आप किसी भी टीचर का कोड डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इट इज जस्ट टू अवेल अ 10% डिस्काउंट टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है ना। और आप जैसे मेरा कोड डालेंगे तो आप लोग मेरी मेंटरशिप में रहेंगे, मेरे ग्रुप में रहेंगे, ठीक है ना। मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं डेली अपडेट्स लेता रहता हूँ स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरा कोड डालते हैं, ठीक है, उनकी तैयारियों को मैं ट्रैक करता हूँ, ठीक है। सो ये बेनिफिट रहेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है। जैसे कि अभी बेटा 3 3 मंथ्स बचे हैं, तो वैसे तो 12 मंथ्स का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वही लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी रीजन से आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो एकदम फास्ट तरीके से एकदम जल्दी के जल्दी जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यूट्यूब और स्पेशल पे क्या है एक्चुअली कि जो क्लासेज रहती हैं बेटा इट टेक्स मोर टाइम, ठीक है ना। वैसे हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब और स्पेशल पे भी हम लोग हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करें, बट देर आर सर्टन लिमिट्स इन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस। सिमिलरली एक आइकॉनिक प्लेटफॉर्म भी है, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है ना, तो जो अफोर्ड कर सकता है उसको वो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लस के बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स ऑफ प्लस हैं वो तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके साथ साथ पर्सनल प्रिपरेटरी मटेरियल और पर्सनलाइज टेस्ट, ये तीनों चीज़ें आपको अवेल हो जाएगी अगर आप लोग आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो, ठीक है ना। सो यू कैन यूज दिस कोड RS001, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ फी पेमेंट, है ना, फी पेमेंट के टाइम पे बेटा। ऐसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप मेरा कोड यूज करें, ठीक है ना। आप जब भी फी पोर्टल पे जाते हैं इस टाइप से हमारा पेज दिखेगा आपको, ठीक है ना। अनअकैडमी का 1 month 3 month 6 month 12 month 18 month का पहले नहीं था, अब आ गया है, और 24 month। तो वैसे तो मैं ये हाईली रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को जनरली कि 12 मंथ्स का इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी 54% डिस्काउंट आपको मिलता है, प्लस अगर आप RS001 कोड डालेंगे तो आपको 10% और डिस्काउंट वहाँ पे अवेल हो जाएगा, ठीक है ना। बट काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात चलती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमको हमारा अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, अब हम चाहते हैं कि हमारी शार्पनिंग हो जाए, तो हम क्या हम प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो आप लोग आ सकते हैं 3 महीने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करके भी जो पेड वाला प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 17% डिस्काउंट आपको 3 महीने पे वैसे ही मिल रहा है। और अगर आप कोड डालते हैं RS001, RS001, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो बेटा ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो चाहता है कि वो एक्सेस करे 3 महीने के लिए, ठीक है ना, तो जो वो जो एटमोसफियर और जो एक्सपोजर मिलेगा आपको प्लस पे, ठीक है ना, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक बार ट्राई करें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म, ये हमने बेटा प्लेटफॉर्म की बात करी कि इस टाइप से प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी है। तो जैसा आपकी अफोर्डेबिलिटी हो आप उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपको पेज दिखता है अनअकैडमी का, जब आप लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है ना, प्लस और आइकॉनिक सबसे
सपोज आप लोग ने प्लस को सब्सक्राइब करा है, सेलेक्ट करा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो और मान लीजिए इसी की बात करता हूँ मैं, 3 मंथ का प्लान आप लोगों ने लिया है तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट शो करेगा वो 4583 का 17% प्लस। जैसे ही आप कोड डालेंगे RS001 तो उस कोड अप्लाई करने के बाद, उस कोड को अप्लाई करने के बाद 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग मैंने बेटा आपको सारी बातें बता दी हैं, ठीक है ना, सारी बातें आपको बता दी है, कैसे कोड अप्लाई होना है, कैसे क्या करना है। और भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म। सो मूविंग अच्छा ये कोड वापस बता रहा हूँ मैं, RS001, ठीक है ना, RS001 आपको कोड यूज करना है। सो मूविंग अहेड, आज के टॉपिक पे आते हैं बेटा, मैकेनिकल और सिविल के मैं काफी सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, पढ़ा लेता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके काफी वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं IC इंजन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है ना, स्पेशल पे मेरे OR के लेक्चर आपको मिल जाएंगे और IC इंजन में भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सो जैसा कि हमने बात करी थी, AS सेनेट साइकिल डीजल डुअल हमने पढ़ लिया है, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इंजन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, टेस्टिंग की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना, मोर्स टेस्ट और जो हमारा डायनामोमीटर से टेस्ट होता है वो हम बाद में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम इंजन की परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ठीक है, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में, देर आर मेनी इंजन पैरामीटर्स, बहुत सारे इंजन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, एक बार वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं, आगे फिर उनको हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इट इज गिवन बाय ETH. Then we have the brake thermal efficiency, ठीक है ना, ETH. Then we have the mechanical efficiency, mechanical efficiency is given by ETM, ठीक है ना। Then we have the volumetric efficiency भी होता है। Then we have relative efficiency, fifth term is relative efficiency. Then mean effective pressure, MEP भी उसको बोला जाता है, MEP भी उसको हम कहते हैं। Then we have the mean piston speed. Then we have specific power output, है ना, so और finally we have specific fuel consumption. तो specific fuel consumption में हमारे पास ISFC है, ठीक है ना, indicated specific fuel consumption है, और दूसरा है हमारे पास BSFC, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, है ना, मैं इन डेप्थ आपको सब चीजें बताने वाला हूं आज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे इंजन के पास जो एनर्जी अवेलेबल होती है, ठीक है ना, जो एनर्जी बेटा इंजन के पास अवेलेबल होती है, ठीक है ना, हम करवाते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जो भी एनर्जी इंजन को मिलेगी बेटा वो रहेगी इन टर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं
इंडिकेटेड पावर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर होता है इट इज नोन एज केमिकल पावर और केमिकल एनर्जी, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूल पावर, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूल पावर। तो हमारे पास फ्यूल पावर है, ठीक है, वो अवेलेबल है हमारे पास फ्यूल के अंदर, है ना, फ्यूल के अंदर। देन दिस पावर इज कन्वर्टेड इनटू इंडिकेटेड पावर, है ना, इंडिकेटेड पावर, और वी कैन से इंडिकेटेड एनर्जी में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड एनर्जी में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो बेटा उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो पावर हमको अवेलेबल है, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड पावर हमको अवेलेबल है, ये हमको अवेलेबल होता है इंजन सिलेंडर में, है ना। इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर हमको अवेलेबल होता है, दैट पावर इज नोन एज इंडिकेटेड पावर, ठीक है। और इस पावर के अंदर जो है कौन कौन से लॉसेस हमने कंसिडर कर रहे हैं, रेडिएशन लॉसेस, कूलेंट, जितने भी टाइप के हीट लॉसेस हैं वो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ हीट लॉसेस आर कंसीडर्ड वाइल मूविंग फ्रॉम द फ्यूल पावर टू द इंडिकेटेड पावर, ठीक है। अब ये जो पावर हमको अवेलेबल हुआ है, ये जो इंडिकेटेड पावर हमको अवेलेबल हुआ है, वो इंजन के अंदर हुआ है, ठीक है। फाइनली वी हैव द ब्रेक पावर। अब देखो इंडिकेटेड पावर भी बेटा जो वो पावर होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, हम जो पावर एक्चुअली यूज कर पाते हैं दैट इज नोन एज ब्रेक पावर, ठीक है ना। द पावर विच इज अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, वो पावर जो क्रैंक शाफ्ट पे अवेलेबल होता है, द पावर विच इज अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट इज नोन एज ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर में जो हमने मेनली जो हम लॉसेस कंसिडर करते हैं, है ना, दोस लॉसेस आर द फ्रिक्शन लॉसेस, जो भी हमारे फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं ब्रेक पावर में, ठीक है। और जो रेडिएशन या हीट लॉसेस होते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं इंडिकेटेड पावर में, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमने दो बार पावर को डिग्रेड करा है, दो बार लॉसेस हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्यूल है, तो फ्यूल के अंदर जो पावर है इट इज गिवन बाय MF इनटू CV। अभी हम आगे देखेंगे, द एनर्जी इनसाइड द फ्यूल इज गिवन बाय MF, दैट इज मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है ना। उसको हमने कन्वर्ट करा है इंडिकेटेड पावर में, है ना, हमने कन्वर्ट करा है उस केमिकल पावर को इंडिकेटेड पावर में। बट इंडिकेटेड पावर वो पावर होता है जो हमको अवेलेबल रहता है इंजन के अंदर, हमको पावर चाहिए क्रैंक शाफ्ट पर ताकि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है ना। सो दैट पावर इज नोन एज ब्रेक पावर, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द पावर, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है बस कि भैया केमिकल पावर को या हम कह सकते हैं फ्यूल पावर को हमने कन्वर्ट करा है पहले इंडिकेटेड पावर में, और फिर इंडिकेटेड पावर को हमने कन्वर्ट करा है ब्रेक पावर में। तो जो पावर हमारे यूज में आ रहा है, यूजेबल फॉर्म में आ रहा है, इट इज द ब्रेक पावर, ठीक है ना, इट इज द ब्रेक पावर। ब्रेक पावर को, इस पावर को हम ब्रेक पावर इसलिए कहते हैं बिकॉज डायनामोमीटर, हम वहां पे डायनामोमीटर यूज करते हैं, और डायनामोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं इसका पावर। देयरफॉर इट इज नोन एज ब्रेक पावर, ठीक है ना। व्हाट इज डायनामोमीटर? डायनामोमीटर इज बेसिकली अ ब्रेक इंस्टॉल्ड विद अ मीटर, ठीक है ना। एक ब्रेकिंग अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम ऐसा मीटर इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं, जिससे कि हम अप्लाइड फोर्स को निकाल पाते हैं, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क को हम निकाल पाते हैं। एंड थ्रू विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग पावर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के बेटा हमने डायनामोमीटर देखे हैं, रोप ब्रेक डायनामोमीटर है,
काफी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डायनामोमीटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर्स, ठीक है ना। सो आगे चल रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमको फॉर्मूला मिलने वाला है, वो यही मिलने वाला है, इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय द सम ऑफ द ब्रेक पावर एंड द फ्रिक्शनल पावर, ठीक है ना। जो बेटा इंडिकेटेड पावर होता है, द इंडिकेटेड पावर इज नथिंग बट द सम ऑफ द ब्रेक पावर और जो मेजर फ्रिक्शन, जो मेजर लॉस होता है हमारा पावर का, जब हम मूव करते हैं इंजन से क्रैंक के बीच में, इट इज द फ्रिक्शनल पावर। इसलिए हम लिखते हैं इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ द ब्रेक पावर एंड द फ्रिक्शनल पावर, है ना, सम ऑफ द ब्रेक पावर एंड द फ्रिक्शनल पावर। अब हम इन दोनों पावर्स को सेपरेटली देख लेते हैं सो द इंडिकेटेड पावर IP is given by the formula Planck by 60, ठीक है ना, Planck by 60, where it varies, the formula varies for different engines, ठीक है ना। अलग अलग engines के लिए बेटा जो formula होता है ये vary करता है, ठीक है। तो यहाँ पे PM इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, L इज द स्ट्रोक लेंथ ऑफ स्ट्रोक L is the length of stroke, A is the area of the cylinder, सिलेंडर का एरिया A होता है। कभी कभी बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हम डायरेक्ट वही यूज कर लेते हैं, सो VS बोलेंगे या VD बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन टू एरिया, है ना, या तो हम इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोल देते हैं, either we will call it as the swept volume or displaced volume, ठीक है ना। It is given by the product of area and the area of the cylinder and the length of stroke, ठीक है। अब k is the number of cylinders, ठीक है ना, k is the number of cylinders, ठीक है ना। कितने number of cylinders है वो depend करेगा, ठीक है ना। Bike है probably तो एक cylinder use करेंगे, हार्ले बाइक है तो वहां पर दो सिलेंडर यूज करते हैं हम वी इंजन में, ठीक है। अगर कार है बेटा, तो इंजन का, एक ही इंजन का साइज बढ़ाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो पावर फ्लक्चुएशन है वो कम होगा, दूसरा वहां पर हम फायरिंग ऑर्डर करके इंजन को कूल करने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स उठा सकते हैं। अगर एक ही सिलेंडर होगा बेटा तो एक तो उसके अंदर जो पावर फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा होगा, दूसरी चीज वहां पे हमको जो हीट लॉस होगा वो काफी ज्यादा होगा, वहां पे हम हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए जो स्टेप्स है वो लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन वी यूज मल्टीपल सिलेंडर्स, ठीक है। और K यहाँ पर होता है हमारा, देखो अब K की जो बात आती है बेटा, है ना, तो सॉरी N की जो बात आती है, N जो रहेगा हमारा वो N के बराबर रहेगा फॉर टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है ना। टू स्ट्रोक इंजन के लिए N इज इक्वल टू कैपिटल N, वेयर N इज द RPM, बट इन द केस ऑफ अ फोर स्ट्रोक इंजन में बेटा क्या होगा, इन द फोर स्ट्रोक इंजन n इज इक्वल टू n बाय टू, जो n हो जाएगा हमारा वो n बाय टू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एज ये चीज हमने डिस्कस कर ली है पहले भी कि टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के लिए फॉर वन पर्टिकुलर साइकिल, है ना, टू स्ट्रोक इंजन में
टू स्ट्रोक इंजन में एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए जो हमारी क्रैंक है वो वन रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है ना। क्रैंक एक ही बार रिवॉल्यूशन करती है, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक साइकिल में जो क्रैंक है वो हमारी दो बार घूम जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमको जो एन की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल फार्मूला, ठीक है ना। एन की वैल्यू हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइप ऑफ इंजन, है ना, कि हमको किस टाइप का इंजन गिवन है, ठीक है। तो बेटा मैं वापस कह रहा हूं कि इंजन के पेट में जो पावर डेवलप हो रहा है, इंजन के पेट में जो पावर डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। लेकिन एक्चुअली क्रैंक शाफ्ट पे एक्चुअली हाथों में कितनी ताकत आई है वो काहे पे, वो कैसे डिनोट करेंगे हम, वी विल डिनोट इट बाय बीपी, दैट इज गिवन बाय ब्रेक पावर, दैट इज गिवन बाय ब्रेक पावर। तो जो एक्चुअल पावर अवेलेबल होता है, द पावर विच इज अवेलेबल। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग संदीप। द एक्चुअल पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज ब्रेक पावर, ठीक है ना। जनरली डायनामोमीटर डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है, डायनामोमीटर डिवाइस हम यूज करते हैं ब्रेक पावर को निकालने के लिए, ठीक है। सो ब्रेक पावर इज गिवन बाय वेरी सिंपल फार्मूला, ठीक है ना, 2 pi NT/60, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। कभी कभी फ्रिक्शनल पावर पूछ लेता है, तो हम निकाल लेंगे इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर से, ठीक है ना। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर थ्रू फ्रिक्शनल पावर बाय द डिफरेंस ऑफ इंडिकेटेड पावर एंड द ब्रेक पावर। सो ये हमने फॉर्मूले देखे। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी बेटा, सारे पैरामीटर्स पढ़ाने के बाद मैं बकायदा आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, देखो भैया मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, ठीक है ना। तो आउटपुट एफिशिएंसी इज गिवन बाय आउटपुट बाय इनपुट। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब क्रैंक पे जो पावर हमको अवेलेबल है, जो क्रैंक पे हमको पावर अवेलेबल है वो हमारे लिए आउटपुट है, ठीक है ना। तो ब्रेक पावर हमारे लिए आउटपुट हो गया। और इंडिकेटेड पावर क्या था, जो भी हमारा मैकेनिज्म है उसको हमने जो फीड दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है हमने ब्रेक इंडिकेटेड पावर। सो द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर एंड द इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय द मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं सपोज मेरा इंजन है, ये मेरा इंजन है, इंजन के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है उसको मैं कह रहा हूँ इंडिकेटेड पावर, ठीक है ना। अब जो भी मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, जो भी कनेक्टिंग रॉड क्रैंक जो भी हम यूज कर रहे हैं, यस यस बेटा यस, डेली क्लास रहती है 9 बजे 9 PM, ठीक है, डेली क्लास रहती है 9 PM, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन विजिट द क्लास एट द सेम टाइम डेली, ओके संदीप। तो बेटा ये हमारा, ये हमने इनपुट दिया है, ठीक है, और आउटपुट में हमको ब्रेक पावर मिल रहा है क्रैंक पे, ठीक है। तो आउटपुट बाय इनपुट हो गया बेटा, इसलिए देयर फॉर वी आर राइटिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी एज बीपी बाय आईपी, इसलिए हम मैकेनिकल एफिशिएंसी को लिख रहे हैं बीपी बाय आईपी। अब एक और चीज होती है, देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम कहते हैं, देखो एफिशिएंसीज बेटा काफी सारी एफिशिएंसी हमको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हमको काफी सारी एफिशिएंसीज जो है वो उनके बारे में पढ़ना है। तो देयर इज वन मोर एफिशिएंसी एंड दिस एफिशिएंसी इज नोन एज इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो एफिशिएंसी हमारे पास है
वो हमारे पास है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो ये नेक्स्ट टर्म है। मैंने आप लोगों को बताया सिंपल लॉजिक, थर्मल कोई भी एफिशिएंसी हो उसको समझने के लिए वी शुड नो इनपुट और आउटपुट हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं ईटा आई टी एच। सो ईटा आई टी एच जो है इट इज गिवन बाय द ब्रेक पावर और आईपी बेटा इंडिकेटेड पावर, ओके। मैं बात कर रहा था इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, देखो बेटा एक्चुअली इंजन के अंदर जो पावर आ रहा है फ्यूल टैंक से, जो फ्यूल है फ्यूल के अंदर फ्यूल पावर है या केमिकल पावर है, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय MF इंटू CV, ठीक है ना। अब MF इंटू CV इज द इनपुट। MF इंटू CV क्या है बेटा? MF into CV जो है बेटा वो हमारा इनपुट है, इट इज द इनपुट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एफिशिएंसीज, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एफिशिएंसीज। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं ताकि आपको इन दोनों चीजों में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास बेटा यहाँ पे फ्यूल पावर है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्यूल पावर है, फिर हमारे पास इंडिकेटेड पावर है, फिर हमारे पास इंडिकेटेड पावर है, और फाइनली हमारे पास ब्रेक पावर है। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी या पावर है वो है हमारा MF इंटू CV, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे पास पावर है इट इज MF इंटू CV, दैट इज एनर्जी इन फ्यूल पर सेकेंड। इट इज द एनर्जी इन द फ्यूल पर सेकेंड, एनर्जी इन द फ्यूल पर सेकेंड मतलब केमिकल एनर्जी, है ना। और इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इंडिकेटेड पावर में। सो दिस इज, ये हमारा इनपुट है ना, ये हमने इनपुट दिया है, और ये हमारा यहाँ पे आउटपुट है। जब भी हम बात करते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट क्या है यहाँ पे? इंडिकेटेड पावर। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इनपुट क्या है बेटा? इनपुट ये है फ्यूल पावर। फ्यूल पावर मतलब MF इंटू CV, ठीक है ना। तो यहां पे तो बेटा ये एफिशिएंसी आई हमारी, यहां पे तो ये एफिशिएंसी आई। लेकिन बट अगर हम आगे की बात देखते हैं तो अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में क्या होगा? आई ईटा बी टी एच हो जाएगा, वो बी टी एच इट विल बी गिवन बाय ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV, ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV। सो इसमें हम डायरेक्टली क्या अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पावर है, वो डायरेक्टली यहां से यहां तक जो चेंज आया हम वो देखते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बिटवीन बोथ दिस there is one more efficiency which is known as mechanical efficiency। So mechanical efficiency क्या हो जाता है? mechanical efficiency is given by फिर हम output और input देखते हैं, है ना। तो mechanical efficiency की मैं बात कर रहा हूँ, so it will be given by output by input again, है ना। अब यहाँ पे बेटा हमने इसके लिए ब्रेक पावर जो है वो हमारा आउटपुट है, और इंडिकेटेड पावर जो है हमारा इनपुट है। इसीलिए जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है इट इज गिवन बाय ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर।
सो ऑल दीज आर द डिफरेंट एफिशिएंसीज, ठीक है ना। और एफिशिएंसीज बेटा एमएफ, एमएफ होता है हमारा मास ऑफ फ्यूल, ठीक है ना। एमएफ इज गिवन बाय मास ऑफ फ्यूल, जितना मास ऑफ फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है और जितनी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है, उन दोनों के प्रोडक्ट से हमको मालूम पड़ता है कि हमारे पास ओवरऑल कितना केमिकल एनर्जी या फ्यूल पावर है। उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड पावर में, और इंटीग्रेटेड पावर को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रेक पावर में। फाइनली जो पावर हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज ब्रेक पावर, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तीन अलग अलग हमने एफिशिएंसीज देखी है। फिर से बोल रहा हूं मैं, एफिशिएंसीज देखने का बहुत सिंपल लॉजिक है। आप लोगों को केवल ये देखना है कि आउटपुट कहां से आ रहा है, इनपुट कहां से है ना, आउटपुट और इनपुट कहां का है। सो वन टू एंड थ्री एफिशिएंसीज वी हैव सीन। बेटा ओ इज द आउटपुट एंड आई इज द इनपुट, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, अगले पैरामीटर पे हम आते हैं। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज गिवन बाय द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो जो अगला पैरामीटर है बेटा, इट इज गिवन बाय द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। So the volumetric efficiency is given by, the volumetric efficiency is given by eta V, है ना। eta V होता है volumetric efficiency, और volumetric efficiency का formula होता है mass of air inducted upon rho A into Vd, ठीक है ना। It is the direct formula for volumetric efficiency, it is the direct formula for volumetric efficiency। कल मैंने कल के लेक्चर में मैंने काफी डिस्कस किया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। काइंडली आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द इनलेट एयर। अगर हम इनलेट एयर का टेम्परेचर बेटा बढ़ा देंगे तो बताओ मुझे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी। जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट है, जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम से या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मतलब जितनी हमने, जितने हमारे व्हीकल के सीसी हैं, है ना। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी चीज में हमारा सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। क्या रहता है बेटा, सपोज मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है ना, ये मेरे पास बॉटल है, और मान लो ये जो बॉटल है इसका वॉल्यूम सपोज 1 लीटर वॉल्यूम है, सपोज 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये उसका स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, कि मैं इतना फ्यूल इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली कितना फ्यूल आएगा इट विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल। जो फ्यूल है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर फ्यूल ज्यादा, हमने हॉट फ्यूल अगर भरेंगे, हॉट फ्यूल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिर जाएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। सो और इसी लॉजिक पे हम सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग करवाते हैं, है ना। इसी लॉजिक पे हम सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग करवाते हैं।
सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंजन का साइज बढ़ाए बिना, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ाए बिना हम जो ज्यादा से ज्यादा मास ऑफ फ्यूल अंदर इंडक्ट कर दें। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं बाय द कंप्रेशन ऑफ द फ्रेश चार्ज। फ्रेश चार्ज को हम कंप्रेस्ड वे में अंदर भेजते हैं, ठीक है। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। देन वी हैव सम मोर एफिशिएंसीज विद अस, और भी एफिशिएंसीज हमारे पास हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। Then we have the specific fuel consumption, है ना, specific fuel consumption, काफी बड़ा नाम है उसका, उसको कहेंगे हम ISFC। So ISFC जो रहता है बेटा, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज गिवन बाय, उसके नाम से ही क्लियर है कि कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है हमारा, उसको हम वहां देख रहे हैं। तो मास ऑफ फ्यूल, मास द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्यूल टू द इंडिकेटेड पावर, ठीक है ना, टू द इंडिकेटेड पावर इज नोन एज द ISFC, उसको हम कहते हैं ISFC, उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम पर किलोवाट आवर, है ना, किलोग्राम पर किलोवाट आवर में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सीधा सीधा ये समझना है कि कितना पावर डेवलप करने, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर डेवलप करने के लिए कितना फ्यूल हमने कंज्यूम करा, ठीक है ना। यही टर्म को, इसी टर्म को अगर हम BSFC नाम देते हैं, अगर इसी टर्म को हम BSFC कहते हैं, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है ना। सो इट इज गिवन बाय द मास ऑफ फ्यूल required upon the brake power, the unit will be same, ना? The unit will be same, unit एकदम same रहेगी, ठीक है। So ये बेटा हमने आज different terms देखे हैं, today we have discussed about the different terms which are used to किसी भी इंजन को, यस ओके नो इश्यूज, आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज, है ना बेटा, दोनों लैंग्वेज मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं, ठीक है। देर इज वन मोर टर्म विच इज नोन एज द मीन अफेक्टिव प्रेशर, है ना, MEP कहते हैं हम, मीन अफेक्टिव प्रेशर जो रहता है इज द मेजर ऑफ द अफेक्टिवनेस विथ विथ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द इंजन is used to produce work, ठीक है ना। आप लोग ये समझते हो, सबसे पहली बात तो बेटा mean टाइप की कोई भी चीज इंजन में नहीं होती है, ठीक है ना। mean प्रेशर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली प्रेशर तो हमेशा कंटिन्यूसली वेरी करता है, लेकिन हम एक mean प्रेशर अज्यूम करते हैं जो पिस्टन पे लगना अनिवार्य होता है ताकि पिस्टन जो है वो मूवमेंट करे, ठीक है ना। जैसे कि हम जब डोम में टर्निंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं तो हम कंसिडर करते हैं मीन टॉर्क, उसी टाइप से हम यहाँ कंसिडर करते हैं मीन प्रेशर। सो इट इज गिवन बाय द वर्क डन टू द वॉल्यूम, है ना, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। सो इट इज गिवन बाय द मीन अफेक्टिव प्रेशर। और फाइनली जो लास्ट पैरामीटर होता है, वो होता है हमारा रिलेटिव एफिशिएंसी। सो द रिलेटिव एफिशिएंसी जो होती है बेटा, इट इज गिवन बाय द एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी, जो भी किसी पर्टिकुलर इंजन की एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी है, ठीक है ना, टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अब अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे
तो ये चीजें हमको बेटा और क्लियर हो जाएगी। मैं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। एट द एंड मैं न्यूमेरिकल अब स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें और क्लियरली, चीजों में आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है ना, चीजों में आपको और क्लैरिटी मिले। इसलिए हम अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपको, आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमारे पास तीन स्टेप में पावर यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा है। सबसे पहले हम ये जो तीन लेवल है बेटा, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। अगर आपको ये तीन लेवल याद है तो आप लोग कभी भी इंजन पैरामीटर्स नहीं भूलेंगे, है ना। सबसे पहले हमारे पास है फ्यूल पावर, देन वी हैव द इंडिकेटेड पावर, है ना। इसको इसी वे में अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। और आखिरी है हमारे पास ब्रेक पावर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कौन सी एफिशिएंसी कब आती है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं फ्यूल पावर से इंडिकेटेड पावर में, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आएगी। डायरेक्टली अगर हम ब्रेक पावर पे आते हैं तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आती है, और अगर अपन इंडिकेटेड पावर से मूव कर रहे हैं, अगर हम इंडिकेटेड पावर से मूव कर रहे हैं ब्रेक पावर की तरफ तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड भी रहती है कि सर न्यूमेरिकल कराया करो, इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स विथ यू। इट इज वन ऑफ द पीवाईक्यूज ऑफ गेट, है ना। पहले आया हुआ क्वेश्चन है बेटा गेट में ये। सो इन दिस क्वेश्चन हमको बोला है कि एक टर्बोचार्ज, हमको बोला है कि एक टर्बोचार्ज इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन है, ठीक है ना। फोर स्ट्रोक इंजन है मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछ रहा है वो, ठीक है ना। MEP पूछ रहा है वो हमसे, या PM पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात n, स्मॉल n विल बी इक्वल्स टू कैपिटल n बाय टू, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा बेटा, एक ही साइकिल में दो बार क्रैंक रोटेट कर जाती है, इसलिए वहां पे n बाय टू लेना पड़ता है, ठीक है ना। इंजेक्शन एज अ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना। तो वी वी एस इज गिवन टू अस, वी एस बोल लो, वी डी बोल लो, या एरिया इन टू लेंथ भी बोल सकते हो। इट इज गिवन बाय 0.0259 m³ दिया हुआ है, ठीक है। 25.9 L भी बोल सकते हैं उसको, है ना। आप लोगों ने देखा होगा वह कारों के पीछे स्टिकर लगा रहता है 1.1 L। 1.1 L का मतलब है 1100 cc, है ना। 1.1 L का मतलब है 1100 cc की कार है वो, ठीक है। द इंजन हैज एन आउटपुट ऑफ, द इंजन हैज एन आउटपुट ऑफ 950 kW। तो बेटा इंजन का हमको आउटपुट भी गिवन है, ठीक है। अब इंजन का आउटपुट क्या होता है, इंजन का आउटपुट क्या है भाई, इट इज द इंडिकेटेड पावर, ठीक है ना। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि इंजन जो है, इंजन से जो जो चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, इंडिकेटेड पावर निकलेगा, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर इज ऑल्सो गिवन टू अस, इंडिकेटेड पावर इज ऑल्सो गिवन टू अस 950 kW, ये इंडिकेटेड पावर है। और एन हमको दिया हुआ है, एन इज गिवन टू अस एस 2200। सो फाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर इन मेगा पास्कल। तो हमको बेटा यहाँ पे जो MEP निकालना है वो हमको निकालना है मेगा पास्कल में। आई थिंक ऑल द गिवन थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। सभी को जो गिवन थिंग्स है वो क्लियर है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बेटा हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय
प्लैंक बाय 60, प्लैंक बाय 60, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, इट इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको बेटा वैल्यू गिवन है। यहाँ पे जो इंडिकेटेड पावर होता है इट इज इन किलोवाट्स, ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर हमको गिवन है बेटा 950, ठीक है। K इज इक्वल्स टू 1, मल्टी सिलेंडर इंजन नहीं है, ठीक है। N विल बी इक्वल्स टू N बाय 2, N को N बाय 2 लेंगे क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है, सो इट विल बी गिवन बाय PM, हमको निकालना है L इंटू A इंटू कैपिटल N इंटू 1 बाय 120, इट विल बिकम 120। सो वी हैव 950 इक्वल्स टू PM इंटू L इंटू A, देखो लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया अभी ये डिपेंड करता है, या तो हमको डायरेक्टली गिवन होगा या फिर मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जो VD होता है, डिस्प्लेस वॉल्यूम या स्वेफ्ट वॉल्यूम होता है, वो होता है एरिया इंटू लेंथ, वो होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टली गिवन इन साइड द क्वेश्चन, हमको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा यूनिट में हमको लेना है उसको, सो इट इज इक्वल्स टू 0.0259 है ना, सो 0.0259 into n, तो n हमको गिवन है यहाँ पे बेटा 2200 into 1 by 120, so finally we will get the answer in Newton per meter square में हमको answer मिलेगा, kindly find the answer, kindly tell me the answer, what is the value of PM, PM की वैल्यू बताओ बेटा। Tell me the value of PM. क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे सब कुछ चीजें एसआई यूनिट में पुट करी है, इसलिए हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा, आंसर आ रहा है हमारा 2000.70, ठीक है ना, 702 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज किलो, के भी आया क्योंकि यहाँ पे हमने किलो वाट में पुट करा है, सो इट विल बी के, है ना, सो 2000 लगभग आ रहा है किलो पास्कल, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है मेगा पास्कल में, ठीक है, तो इसको हम और डिवाइड कर देते हैं हजार से, सो द आंसर विल बी 2 मेगा पास्कल आंसर है, सो द करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ए है। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अपन। यस 2 MPa संदीप, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल में इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको जो भी अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं
आप लोगों के अंदर उस उन फॉर्मूलों को लेके कुछ कंफ्यूजन ना रहे, है ना, क्लैरिटी रहे। सो अगले क्वेश्चन में बेटा हमको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है चीजें, सेकंड क्वेश्चन है द इंडिकेटेड पावर, द इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन विद अ कंप्रेशन रेशियो। अब हमको कंप्रेशन रेशियो गिवन है, मतलब हमको आर गिवन है, आर गिवन है हमको, आर इज गिवन बाय 8 हमको आर गिवन है। वैसे अगर हम यहाँ पे ऑटो साइकिल की बात आ रही है, ऑटो साइकिल की बात आ रही है, मतलब V1 by V2, है ना, V1 by V2, और we can say V by VC, है ना, इसको हम कहते हैं compression ratio, it is given by the compression ratio, ठीक है, वो हमको 8 given है, is calculated using the AS and its auto cycle and the constant properties, the rate of heat addition, अब हमको rate of heat addition given है, है ना, तो अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इंजन का, तो हमको Q1 गिवन है यहाँ पे, है ना, अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो हमको इंजन में Q1 इज गिवन टू अस, हमको Q1 गिवन है, ठीक है, जो हम जनरली ब्लॉक डायग्राम देखते हैं बेटा इंजन का, जिसमें हम सोर्स से जो भी हमारा सोर्स होता है उससे हम जो भी हीट सप्लाई करते हैं, Q1 इज गिवन टू अस एज 10 kW, ठीक है ना, Q1 हमको गिवन है, Q2 और W के बारे में जानकारी हमको नहीं है। गामा भी हमको गिवन है 1.4 द रेशियो ऑफ CP एंड CV, आगे दिया है हमको इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब बेटा हमको ईटा एम इज गिवन टू अस एज 0.8 हमको ईटा एम गिवन है। पूछा है द ब्रेक पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज, ना ब्रेक पावर आउटपुट हमको इंजन का बोला है राउंड ऑफ टू 1 decimal place। सो बेटा हमको यहाँ पे ब्रेक पावर पूछा है, है ना, ब्रेक पावर इज आस्क्ड टू अस, ब्रेक पावर हमको पूछा है, तो सबसे पहले हमको इंडिकेटेड पावर निकालना पड़ेगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम को अगर रिवर्स डायरेक्शन में समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना, सो प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है, ब्रेक मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, ठीक है ना, ये हमको बेटा वी नो दिस फार्मूला, हमको ये फार्मूला पता है, ठीक है। ब्रेक पावर हमको निकालना है, ब्रेक पावर होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड पावर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडिकेटेड पावर, हमको आईपी निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडिकेटेड पावर, ठीक है। सो ऑटो साइकिल की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज गिवन बाय 1 - 1 / R, R टू द पावर गामा माइनस 1। ये हमको मालूम है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है, और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, सो इट इज 1 - 1 / R, R इज गिवन टू अस एज 0.8। बेटा जब आप लोग यहां से फाइंड करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, सो इट विल बी समथिंग लाइक 0.5647, तो ये आ गई है हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल निकल गई है हमारी यहाँ पे। सभी को क्लियर है ये चीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन। नाउ
अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं, सो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है ना। ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था बेटा, है ना, कि जहां पे हमारा सोर्स है, दिस इज अवर सोर्स, दिस इज इंजन, है ना, और ये इंजन का आउटपुट है वर्क, इनपुट है Q1। यहाँ से हमारा वर्क निकल जाएगा, सो इट विल बी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट अगेन, सो इट विल बी वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड Q1, ठीक है। सो वर्क विल बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू Q1, ठीक है ना। वर्क हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इनटू Q1। एफिशिएंसी हमको गिवन है, एफिशिएंसी इज गिवन टू अस एज 0.5647 इनटू Q1। Q1 हमको गिवन है यहाँ पे, Q1 इज गिवन टू अस एज 10। Q1 हमको यहाँ पे 10 गिवन है। सो फ्रॉम हियर वी वी विल फाइंड द, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ W। तो बेटा यहां से हमको W की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। Q1 इज गिवन इन, Q1 हमको किलोवाट में गिवन है, W भी हमारा किलोवाट में आएगा, ये किलोवाट में गिवन है, तो W भी हमारा किलोवाट में आएगा 5.647 किलोवाट। सो इट इज नथिंग बट वर्क डन, है ना। इतना वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, इतना वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास वर्क आउटपुट आ गया है 5.647 किलोवाट्स, ठीक है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर। अब हम ब्रेक पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी में हम पुट कर देंगे। सो यहाँ से जब हम मैकेनिकल एफिशिएंसी में पुट करते हैं फॉर्मूला, तो हमको हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी ब्रेक पावर की। सो ब्रेक पावर, या मैं डायरेक्टली बात करूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्टली, डायरेक्टली आ जाएगा हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड पावर। सो इट विल बी 0.8, 80% दिया है, इनटू इंडिकेटेड पावर इज 5.647, ठीक है। सो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4.518, ठीक है ना। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है, दिस इज अवर ब्रेक पावर। तो बेटा आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई थिंक देर इज नो डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। द आंसर इज 4.518 ना, 4.5 लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से बेटा हम प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑटो साइकिल गिवन था, इसलिए सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने हीट सप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया W, ठीक है। W मिल गया हमको, उस W को हमने यहाँ पे मान लिया है इंडिकेटेड पावर के बराबर, ठीक है ना। W इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर। तो बेटा इस टाइप से हम न्यूमेरिकल करेंगे, आगे भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, और मैं अभी दो लेक्चर्स और लूंगा जिसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है ना। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल थ्योरी, है ना, एज आई हैव प्रॉमिस टू एवरीवन कि मैं डायरेक्ट जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका सेशन लूंगा, और कुछ नए क्वेश्चंस भी उठाऊंगा मैं, ठीक है ना, नए क्वेश्चंस भी उठाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इवन आंसर तक याद हो गए हैं, ठीक है ना, जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो मैं नया प्रॉब्लम उठाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। थ्योरी ये हो जाए पूरी, उसके बाद मैं नया प्रॉब्लम्स लूंगा। सो टुडे सेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो भी इंजन पैरामीटर्स है बेटा आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ठीक है। So this was all about today's lecture. This was all about today's lecture. ठीक है। So एक बात, एक टिप बेटा, एक टिप मेरे को आप लोगों को और देनी है, एक टिप मेरे को आप लोगों को और देनी है
भले ही मैं अभी आईसी इंजन पढ़ा रहा हूँ, इट इज अ डिराइव्ड सब्जेक्ट फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का डिराइव्ड सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो ए ग्रेड सब्जेक्ट्स हैं वो ढंग से पढ़ें, ठीक है। जो ए ग्रेड सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ए ग्रेड सब्जेक्ट्स अगर आप लोग छोड़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आना है। डोंट लीव द ए ग्रेड सब्जेक्ट्स। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट मैथ्स, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं सॉम की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल स्टूडेंट्स टॉम की बात कर रहा हूँ, और फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ, और फाइनली प्रोडक्शन और थर्मो, ऑल दीज आर द ए ग्रेड सब्जेक्ट्स। डोंट लीव दिस ए ग्रेड सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के 15 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, सोम के 8 से 10 नंबर, भैया डॉम, डॉम जो है वो टॉम में आता है, डॉम इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट इन गेट, ठीक है। टॉम, टॉम में भी बेटा वाइब्रेशन भी आता है, टॉम केवल टॉम नहीं है, उसमें वाइब्रेशन भी इन्वॉल्व है। जो एक क्वेश्चन आता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने का, वो भी टॉम में रहता है, ठीक है ना। तो 8 से 10 नंबर का सोम, 8 से 10 नंबर का ही हमारा टॉम, ठीक है, 7 से 8 नंबर का हमारा फ्लूड मैकेनिक्स, लगभग 20 नंबर का प्रोडक्शन, और 10 नंबर का थर्मोडायनामिक्स। भैया मशीन डिजाइन बी ग्रेड में आएगा, है ना, मशीन डिजाइन जो है बेटा वो बी ग्रेड में आता है, ठीक है। और मशीन डिजाइन का मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने सोम सोम और टॉम ढंग से पढ़ लिया तो काफी पार्ट मशीन डिजाइन का आपसे बनने लग जाता है वैसे भी, ठीक है, अगर मैं उसका सोडरबर्ग और जर्बर वाली चीजें छोड़ दूं तो, ठीक है ना। तो मैंने पास्ट में लेक्चर्स लिए हैं काफी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, आप लोग वो एक्सेस कर सकते हैं। तो बेटा ए ग्रेड सब्जेक्ट छोड़ना मत आप लोग, ठीक है। आईसी इंजन जो है वो एक ड्राइव सब्जेक्ट है, ठीक है, और अभी हम जितनी भी फैकल्टीज हैं अभी हम एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, किसी का भी टाइम किसी से क्लैश ना हो, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट डू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल भी है भाई, इंडस्ट्रियल भी है, ओके ओके, इंडस्ट्रियल भी है, वो भी खैर बी ग्रेड में आता है, लेकिन इंडस्ट्रियल के भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इन इन नंबर्स को आप लोग अगर मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स के 15 नंबर, 8 नंबर सोम के, 8 नंबर टोम के, और 8 नंबर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के, ठीक है। तो यही जाके आपके 40 नंबर के आसपास 40 मार्क्स का तो आपका यही कवर हो जाता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल और थर्मो के 10 मार्क्स, तो बेटा एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं 60 मार्क्स की प्लानिंग करो, और प्रोडक्शन पढ़ लोगे तो 80 मार्क्स को टारगेट लेके चलोगे, ठीक है। बी ग्रेड सब्जेक्ट या सी ग्रेड सब्जेक्ट्स है उनको बाद में देखना, अगर आपका थर्मो बहुत ही अच्छा है तो आप लोग आईसी इंजन में एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये प्लानिंग करके चलो, और सबसे जो मेन मैं आपको टिप बता रहा हूँ वो ये है बेटा कि रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करोगे, गेट जैसी एग्जाम में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि आपका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि एट द एंड जब हम एग्जाम देने जाने वाले रहते हैं गेट के 15 दिन पहले, हम उस नॉलेज को जो हमने पूरे साल भर पढ़ा है उसको हम रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जो हमने पूरा ज्ञान ग्रहण करा है उसको हम वापस से रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दो दो तीन तीन बार, एटलीस्ट थ्री टाइम्स रिविजन तो होना ही चाहिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्डअप है उतना ज़्यादा रहेगा। सो ये छोटी सी मेरे तरफ से आपको एक टिप थी, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं रिगार्डिंग
द फॉर्मेशन ऑफ एनी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्ट्रेटेजी बनाना है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है बेटा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आखिरी के 3 महीने जो बचे हैं, आखिरी के जो 3 महीने बचे हैं, अगर आप लोग उसमें भी चाहते हैं कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बेटा एक्चुअली जो तुम टाइम का पूछ रहे हो, इट इज अ गुड क्वेश्चन कि टाइम कितना देना चाहिए। सो जो टाइम रहता है, अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक बार सभी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं तो जो ए ग्रेड सब्जेक्ट है, जो ए ग्रेड सब्जेक्ट है उनको अच्छा खासा आप टाइम दे सकते हैं। और क्या होगा कि रिवीजन रिवीजन जो है वो एक बार नहीं करना, एक पहली बार जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना बेटा तो तुमको डिफिकल्टी आएगी, लेकिन 80% कर लिया है बेटा। अगर तुम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, अगर तुम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम ये मान लो कि 4 घंटे तुम रिवाइज करो, 4 घंटे रिवाइज करो। जैसे कि मैं अगर मान लो सॉम की बात कर रहा हूँ, सॉम का रिवीजन करने में सपोज तुमको 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। जब तुम सॉम का सेकेंड टाइम रिवीजन करने बैठोगे तुमको 1 ही दिन लगेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे एग्जाम पास आती जाएगी वैसे वैसे क्या करना कि एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करो, क्लस्टर बना के उसका रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ए ग्रेड सब्जेक्ट है जो आपका छूट रहा है, जो आपका छूट रहा है, ठीक है ना, एक तरफ एक सब्जेक्ट है और एक तरफ जो है रिवीजन है, तो रिवीजन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, है ना। रिवीजन रिवीजन शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, सपोज आपने सॉम पढ़ लिया, एफएम पढ़ लिया, टॉम पढ़ लिया, आपका जो इंडस्ट्रियल है वो छूट रहा है, तो इंडस्ट्रियल को छोड़ो मत। इंडस्ट्रियल का जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं पहले वो उठाओ, पहले वो उठाओ, पहले वो पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद टाइम बचता है तो वो पढ़ना। और सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट? टेस्ट सीरीज तो बेटा स्टार्ट कर दो, टेस्ट सीरीज देने का सही समय है अभी, है ना। टेस्ट सीरीज देने का एकदम सही समय है, क्योंकि अभी अगर तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और अभी अगर तुम कम स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुम उस चीज को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। एकदम एंड में मैंने जनरली देखा है ये कि बच्चे कोई कोई ये गलती कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज एंड में ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। उसमें क्या रहता है कि जो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप है वो गिर जाएगा, मोटिवेशन गिर जाएगा अगर तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है कि एग्जाम के 7-8 दिन पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कोई सेंस नहीं है, उस समय आप रिविजन करो। यस यस फुल लेंथ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अभी आपको कितने में नंबर आए आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बूस्टअप भी रहने वाला है, क्योंकि आप अभी आपके पास 3 महीने हैं उस चीज को करेक्ट करने के लिए जो गैप बन गया है, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये चीज ध्यान रखना, और मैंने शेयर कर दिया है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम ऑलवेज फॉर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। सो 16 नंबर आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी अगर तुमको 16 मार्क्स गेट एग्जाम के 3 दिन पहले अगर आएंगे ना तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर जाएगा। यही चीज बोल रहा हूँ मैं, यही चीज बोल रहा हूँ मैं, अभी अभी टेस्ट सीरीज देने का सबसे सही समय है, ठीक है। और रिविजन स्टार्ट कर दो, इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो बेटा रिविजन करो, रिविजन करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे आप रिवीजन करो और 6 घंटे नया पढ़ो, इस टाइप से करो, ठीक है। मैं एक चीज आपको बोल रहा था कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब से पढ़ने में या प्लस पे बेटा, सॉरी स्पेशल क्लास पे, तो बेटा फिर प्लस पे सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो प्लस पे, ठीक है। 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
वहां पर तुमको चीजें ज्यादा प्रॉपर वे में क्लियर होगी, क्योंकि वहां पर टाइम कम लगेगा, है ना। वहां पे बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाते हैं, वहां पे बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाते हैं और पूरा फुल लेंथ सिलेबस करवाते हैं। और ये कोड ध्यान रखना, ये कोड डाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। 10% डिस्काउंट तुमको इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई थिंक दिस लेक्चर इज वैल्यूएबल टू एवरीवन, ठीक है ना। मैंने काफी कोशिश करी है आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देने की। थैंक यू एवरीवन। ये कोड है, ये कोड आप डाल सकते हैं टू अवेल द 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 9 PM।